जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं यहाँ पे स्वतंत्रता संघर्ष से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ दोस्तों, जो पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं कवर करा रहा हूँ। आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आप लोग पूरा वीडियो देखें, कहीं स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि जो भी इसमें प्रश्न ऐड किए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे वन डे एग्जाम्स जो भी आने वाले हैं, चाहे SI का हो, UPSI हो, बिहार SI हो, MPSI हो दोस्तों, PCS एग्जाम्स हो, जो भी वन डे एग्जाम्स आएंगे उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखें, कहीं बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस PDF को भी मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे। टेलीग्राम अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किया मेरा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से बहुत ही आसानी से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोट्स भी शेयर किया जाता है, तो आप लोग ज्वाइन करके वहाँ पे बहुत ही आसानी से इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हो। तो मैं PDF भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? आप लोग आंसर दे सकते हो, बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, और यह इनका अंतिम अधिवेशन था दोस्तों जिसमें ये अध्यक्ष हुए थे और शामिल भी हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में लेकर नहीं आया हूँ, जल्दी जल्दी मैं कवर कराना चाहता हूँ दोस्तों, और इस तरह के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग इस नई सीरीज के साथ बने रहें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। नेक्स्ट है दोस्तों, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाला हरदयाल, जिस लाला हरदयाल जी के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष जो हैं वो सोहन सिंह बखाना बने थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो महात्मा गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो सन 1915 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा दोस्तों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाऊँ। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? तो यह जो है दोस्तों वह 1916 की जो लखनऊ अधिवेशन हुई थी कांग्रेस की, उसमें जो है वो नरम दल और गरम दल जो है एक हो गए थे फिर से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना मार्च 1916 में पूना में की थी, जो किस लिए था? तो स्वशासन के लिए था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग की प्रथम सचिव कौन बने थे? यानी होम रूल लीग जो एनी बेसेंट ने स्थापित की थी दोस्तों, उसके पहले सचिव कौन बने थे? वो थे जॉर्ज अरुंडेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा था? यानी भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से कौन फेमस हुए थे, किन्हें यह उपाधि दे दी गई थी दोस्तों? तो अगर बात करें तो वो थे गांधी जी। आगे देखते हैं, उन्हें किस लिए कहा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसको गांधी जी ने सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया था प्रथम विश्व युद्ध में, इसलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से भी कहा गया था। हालांकि उन्हें यह जो काम है वो किसी न किसी लोभ में किया था, और वो लोभ था दोस्तों अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए। उनसे वादा किया गया था कि आप अगर आप इस तरह करवाते हो तो आपके देश को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, तो इस वजह से उन्होंने यह कार्य किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो वो थे महात्मा गांधी जी दोस्तों, जिन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, और यह गुजरात में है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में, जो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था, यानी किसने गांधी जी को बिहार आने के लिए कहा था दोस्तों, तो बात करें तो वो थे किसान नेता थे दोस्तों राजकुमार जी, उन्होंने बुलाया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था, तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट है भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया था, यानी सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग भारत में गांधी जी ने कहाँ किया था, तो था चंपारण बिहार में दोस्तों, तीन गठिया जो रूल थी उसे समाप्त करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है चंपारण का आंदोलन कब हुआ था, यानी चंपारण का जो आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, तो वो हुआ था सन 1917 में, 1917 ईस्वी में राजकुमार जी ने गांधी जी को चंपारण बिहार बुलाया था दोस्तों, और तीनकठिया रूल जो थी उसे समाप्त करने के लिए यह आंदोलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले बता दिया हूँ तीनकठिया प्रथा। नेक्स्ट है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में गांधी जी ने जो है वो भूख हड़ताल की थी सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट है 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन किया था, तो वो था दोस्तों कर नहीं आंदोलन, कर नहीं आंदोलन जो मिल मजदूर थे उनके समर्थन में गांधी जी ने किया था, और यह उनका पहला भूख हड़ताल भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों रोलर एक्ट कब लागू किया गया था, तो जो रोलर एक्ट था दोस्तों 19 मार्च 1919 में लागू किया गया था। आगे आइए थोड़ा और रूरल एक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। रूरल एक्ट क्या था दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो वो था दोस्तों ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके खिलाफ कोई भी अपील और ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था, यानी जो रूरल एक्ट था दोस्तों उसके खिलाफ ना कोई अपील ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था, किसी भी लोग को कभी भी बिना किसी कारणवश सिर्फ संदेहास्पद होने की वजह से गिरफ्तार किया जा सकता था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है गांधी जी ने रूलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया, तो उन्होंने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है वो देशव्यापी हड़ताल चालू किया था रूलेट एक्ट के विरोध में। आगे देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे गए दोस्तों, जलियांवाला बाग से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उन सभी को मैं यहाँ पे कलेक्ट कर दिया आप लोग देखें, और अगर आप लोग को आंसर पता हो दोस्तों तो वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो यह जो है दोस्तों अमृतसर में हुआ था जो पंजाब में है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था, तो जनरल डायर, जनरल डायर ने दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी, तो वजह थी दोस्तों डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो हो रही थी जनसभा दोस्तों, उस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर बात करें तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार करीब 379 लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन कांग्रेस समिति का कहना था कि उनके अनुसार करीब 1000 लोग मारे गए थे या इससे अधिक भी हो सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था, तो कौन था वो भारतीय दोस्तों, तो हंसराज, जिस हंसराज की वजह से ये पूरा जो हत्याकांड है हुआ था। आगे देखते हैं, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, तो वो थे शंकरन नायर, जिस शंकरन नायर ने जो है वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी, तो वो थे लॉर्ड हंटर, जैसे लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में ये सारा कुछ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो वो थे 3, जिसमें टोटल 8 थे, जिनमें से 3 भारतीयों को भी शामिल किया था उस जांच समिति में, और उसके लीडर थे लॉर्ड हंटर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित की थी? तो वो थे मदन मोहन मालवीय जी। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो यह जो संपत्ति थी वो थी जल्ली नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी संपत्ति थी जलियांवाला बाग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है दोस्तों, वो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ जो है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है दोस्तों, वो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। जैसे जो भारतीय मुसलमान थे वो टर्की के जो खलीफा थे उसके समर्थन में खिलाफत आंदोलन जो है वो शुरू किए थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को जो है वो खिलाफत दिवस मनाया गया पूरे भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दोस्तों, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए, मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए दोस्तों, जितने भी प्रश्न वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ही हैं और बार बार पूछे गए दोस्तों वनडे एग्जाम्स में। ओके दोस्तों, तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। आज के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें, और इस वीडियो को मैंने पहले बता चुका हूँ कि इस वीडियो को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वहाँ पे लिंक्स होते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।